एक जश्न में उन्होंने जुमला कहा था कि शामीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जो रुबाई है, इस रुबाई में चार मिसरे, तीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है, एक में यजीद का नाम है। वो ये कहा करते थे कि शामीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने रुबाई तो लिखी अपनी जगह पर, लेकिन दुनिया को ये समझा दिया कि जिस सत्र में यजीद का नाम आएगा उस सत्र में हुसैन का नाम नहीं आ सकता। मैं जनाब शब्बर रजा जी साहब से दरख्वास्त करूंगा। मैं ये चाहूंगा और ख्वाहिश करूंगा, हमारे शुअरा इकराम मौजूद हैं, मनकबत खान हजरात मौजूद हैं, कि जब आले मोहम्मद की मनकबत लिखी जाए भरपूर फजाइल के साथ लिखी जाए, इसलिए कि हमें अली अली करने से फुर्सत हो तो हम किसी और को सोचें। बहरहाल एक बात तो तय है कि हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि जब तक ला इलाहा नहीं कहेंगे उस वक्त तक इल्लल्लाह काम नहीं आएगा, ये बात भी तय शुदा है। लिहाजा चार मिसरे अर्ज करते करूंगा, उसके बाद मनकबत जो मुझे पाबंद किया था हसन भाई ने, हसन जावर साहब ने अल्लामा तारिजोनी साहब को बुलाया था मजदूर के यहाँ के तरह अगर होगी महफिल तो हमें तो पूरा जोर लगवाया तरह का, बाकी लोगों को आजाद कर दिया बाद में। लिहाजा भारत हमने भी तबा आजमाई की और चंद अशार लिखे हैं। अब तो शायरी की हालत हो गई है कि खबर की जमा अखबार है तो अखबार को अखबारों पढ़ा जाता है, और अभी आप सुन रहे थे मालूम नहीं किसका कलाम था अखबारों और अगियारों, जबकि ये सारे जमा के लफ्ज थे, इसके आगे रोक लगाना जरूरी नहीं था बल्कि ये आई। और ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि नायाब हज़रत साहब हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, वो कहीं ये समझ के न जाए कि पाकिस्तान के सारे शायर ऐसे ही होते हैं। इसको सोचना चाहिए कि लफ्ज का इस्तेमाल शायरी में बहुत जरूरी है। और मैं अपने मोहतरम बुजुर्ग जनाब साहिर नबी साहब का इजाजत से चंद शेर आपके पेश करूंगा, क्योंकि मैं कराची में मुश्किल से तीन या चार महफिल में शिरकत करता हूं और उसमें से एक महफिल जनाब सदारत की होती है पीपल्स कॉलोनी के अंदर, उसमें शिरकत करता हूं और दो तीन महफिलें, और इसीलिए नहीं जाता कि आप ये पता नहीं कि किसने क्या पढ़ना है, क्या धमाका होगा। लिहाजा अगर मैं उसके जवाब में कुछ कहूंगा तो हम पर पहले ही निजाम है कि ये पदअकीदा है और कुछ अकीदा नहीं है, इसलिए कि हम इमाम हुसैन अलैहि सलाम की नजर शरबत पे दिलाते हैं, शराब पे नहीं। बकाए दीन हक्का की जमानत है आजादारी, बकाए दीन हक्का की जमानत है आजादारी, मुसलसल इंकलाब करबला का फैज जारी है, मुसलसल इंकलाब करबला का फैज जारी है, और असर अब्बास गाजी की शजाअत का है ये सारिम, असर अब्बास गाजी की शजाअत का है ये सारिम, जमाने के यजीदों पर अलम का खौफ तारी है। जमाने के यजीदों पर अलम का खौफ तारी है। और ये चंद अशआर इससे पहले के, हाँ हाँ मुझे पता है, इससे पहले के आवाजें उठे
मुझे अपनी गजमज आवाज निकालना ही पड़ेगी। आपने खूबसूरत आवाजें सुनी है बकौल मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी के, वो आलोला मकाम फरमाया करते थे कि मौलवी एंटी बेसुरा हो गए थे मैं बेसुरा दा सरदार। दुरूद भेज बाबा हजरत मोहम्मद वाले 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 दो आलम से अली आला है अपनी शान में, दो आलम से अली आला तरह से कुरान में आलम से अली आला तरह से कुरान में। और मतलब ऐसा नहीं है कि क्या असर था ये बलबल तेरे ऐलान में, क्या असर था ये बलबल तेरे मैं शेर तो पढ़ूंगा लेकिन नारा फरमान भाई से लगवाऊंगा मैं। क्या असर था ये बलबल तेरे ऐलान में, भाई नूर की बरसात देखी हमगेरे दोनों हाथ बराम करके नारा हाय दरी हाय दरी हाय दरी। कदीर का मैदान बराम करके दोनों हाथ बराम करके नारा हाय दरी हाय दरी हाय दरी नारा पंज दरी सवा लाख नारा हाय दरी बोला सलामत रखे यार। आए अलियो क्या असर बलिग तेरे ऐलान में, नूर की बरसात देखी हम के रेगिस्तान में, दो आलम से आला है अपनी शान में, और अकमल तो लकुम ने दी खबर आए अलियोमा, अकमल तो लकुम ने दी खबर आज से शामिल विलायत हो गई ईमान में।
آئے اليوم اکملت لکم دی خبر آئے اليوم اکملت لکم دی خبر میں آج سے شامل ولایت ہو گئی ایمان میں اور رک رک نہیں سکتا زمانے میں کبھی ذکر علی رک نہیں سکتا زمانے میں کبھی ذکر علی بھئی ایک چوتھائی ہے مرآں مرتضیٰ کی شان میں ایک چوتھائی ہے مرآں مرتضیٰ اور نعمت عشق علی مل جائے گی پر شرط ہے نعمت عشق علی مل جائے گی پر شرط ہے بھائی خون مادر کی شرافت چاہیے خون ماں کی شرافت چاہیے انسان میں اور بعد پیغمبر وہ کھل کر سامنے آ ہی گیا اور کل ماں کی سند شاید قافیہ دیکھیے گا اگر مجھے قابل ہو کہ کل ماں کی سند دیتے نہ کیوں کر مصطفیٰ بیدار ہو کر کل ماں کی سند دیتے نہ کیوں کر بھائی آگ ہے در نے لگائی ایسی کفرستان میں آگ ہے در نے لگائی ایسی کفرستان میں اور یہ ہم سب کے لیے ہے اگر سمجھ سکے میں بغیر وضاحت کے پڑھوں گا آپ توجہ فرمائیے گا کہ وارث قرآن جب کے پردہ غیبت میں ہے وارث قرآن جب کے پردہ غیبت میں ہے اس لیے رکھ دیا دستان وارث قرآن جب کے پردہ غیبت میں ہے اس لیے رکھ دیا جزدان میں بھائی سات سرنامے پہوگی جس کے ہوئے اہل بیت سات سرنامے پہوگی جس کے ہوئے
बस वही आमाल को ले जाएंगे और हम जमानत दे रहे हैं मिट नहीं सकता कभी भी पाकिस्तान के लिए हम जमानत दे रहे हैं मिट नहीं सकता कभी भाई मजलिसों का सिलसिला जब तक है पाकिस्तान हम आवाज़ें बुलंद सलवा हम जमानत दे रहे हैं मिट नहीं सकता कभी हम जमानत दे रहे हैं मिट नहीं सकता कभी भाई मजलिसों का सिलसिला जब तक है पाकिस्तान में और बाद पर के बाद पर या अली जिस जिस के था सारे रकम बाद पर या जिस जिस के था सारे रकम भाई मौज दरिया बन गई साहिल हर तूफान में दोनों आलम से अली आला है अपनी शान क्या असर था बल्लिग तेरे ऐलान में नूर की बरसात देखी हम तेरे रेगिस्तान में अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब एहसन जैदी साहब से कि वो आए और बारगाह इमामत में नजराने अकीदत पेश करें मोमिनीन किराम तशरीफ रखें इंशाल्लाह 2:15 बजे हमारे मेहमान शायर जनाब नायाब हल्लौरी साहब अपना कलाम पेश करेंगे आप हजरात यही तशरीफ रखें एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद अलैहि सलाम प्रोड्यूसर मोमिनी तशरीफ रखे नायाब हल्लौरी साहब जो है अब ये हमारे सारे बरादरान हैं इंशाल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने का मौका देंगे नायाब हल्लौरी साहब से आप हजरात तशरीफ रखिए एक मर्तबा आवाज़ें बुलंद मंदरूम पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले वाले सलाम पढ़ा चार में मिस कर रहा हूँ दिल में हो बुग़्ज़े अली हाफिज़े कुरान होना दिल में हो बुग़्ज़े अली हाफिज़े कुरान होना गासिबाने हक़े ज़हरा का सनाहा होना गासिबाने हक़े ज़हरा का सनाहा होना कुल ईमान के वालिद को कहें हम काफिर
कुल्ले ईमान के वालिद को कहें हम काफिर, हमको मंजूर नहीं ऐसा मुसलमान। हमको मंजूर नहीं ऐसा मुसलमान होना। इंतहाई इख्तियार के साथ, क्योंकि हमारे मेहमान नायब हलोरी चार साल के अरसे के बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैं कोशिश ही करूंगा इनको ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले वाले। अली अंसर भाई के ताबून से, इनकी मेहनतों से, इनकी सरपरस्ती से तशरीफ लाए। वाकई जी अली अंसर सर ये खास तौर पे इसमें सर है, तो हमारी गुजारिश है ब्रादरान से जो हमारे शायर के ज्यादा से ज्यादा जो है हम उनको सुने। बिल्कुल बिल्कुल वजीर के हवाले से तीन या चार अशआर पेश कर रहा हूं, मतलब बतौर खास फकत निफाज नहीं था वजीर से पहले, फकत निफाज नहीं था वजीर से पहले, अली वगरना थे मौला वजीर से पहले। फकत निफाज नहीं था गदीर से पहले, अली वगैरह थे मौला गदीर से पहले, पए अली जो बनाया रसूल ने मिंबर, पए अली जो बनाया रसूल ने मिंबर, दिखाओ कोई तो ऐसा गदीर से पहले, दिखाओ कोई तो ऐसा गदीर से पहले, वही तो हाल किया है खुदा ने हारिस का, वही तो हाल किया है खुदा ने हारिस का, जो अब रहा का हुआ था गदीर से पहले, जो अब रहा का हुआ था गदीर से पहले, बता रही है ये बल्ली आया मोहकम, बता रही है ये बल्लिग की आयाए मोहकम, बता रही है ये बल्लिग की आयाए मोहकम, न था खुदा का ये लहजा गदीर से पहले, न था खुदा का, न था खुदा का ये लहजा, नबी से बाद में इजहार इश्क फरमाना, नबी से बाद में इजहार इश्क फरमाना, अकीदा जोड़ लो अपना गदीर से पहले, अकीदा जोड़ लो अपना गदीर से पहले, और खुला नहीं था बजाहिर किसी भी मोमिन पर, खुला नहीं था बजाहिर किसी भी मोमिन पर, मुनाफिकीन का शजरा गदीर से पहले। मैं अब मुल्तमिस हूँ डॉक्टर नदीम नकवी साहब के वहाँ आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। डॉक्टर नदीम नकवी साहब बराए खुशनूदी खानवादा अबू तालिब हलंदर सलावत। मेरे बड़े भाई जनाब नायब हलोरी साहब की मौजूदगी में इख्तिसार से चंद चीजें पेश करूंगा, इंशाल्लाह वो यहाँ आए जिस मकसद के लिए उन्हें हम देर तक सुनेंगे। चार ताजा मिसरे, उसके बाद चार या पांच शार की ज़हमत। असल में जो शोरा को तादाद के हवाले से बताया जाता है, अगर इंग्लिश में बता दिया जाए तो बेहतर है। जाफर भाई ने सात बताया, लोगों ने साठ समझा और उसी वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, लेकिन साथ ही समझा सात अशआर में इंशाल्लाह आपकी खुश नसीब। अच्छा खुश नसीब साथ हैं, खुश नसीब समाते हैं, सलावत पढ़ते हैं। किरदार से मोहब्बत पे जो गुल ताजा खिला है, किरदार से मोहब्बत पे जो गुल ताजा खिला है, ये मिधते अब्बास दिलावर की अता है। किरदार से मोहब्बत पे जो गुल ताजा खिला है,
ये मिधत अब्बास दिलावर की अता है। चौथे मिसरे पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। खिरतास मुवद्दत पे जो गुल ताजा खिला है ये मिधत अब्बास दिलावर की अता है। ये बाद सबा किस लिए इठला के चली है, ये बाद सबा किस लिए इठला के चली है। लगता है कहीं परचम अब्बास खुला है। फिरता से मुवद्दत पे जो गुल ताजा खिला है ये मिधत अब्बास से दिलावर की अता है। ये बाद सबा किस लिए इठला के चली है। लगता है कहीं परचम अब्बास खुला है। सलावत पढ़ पढ़ना तो कुछ और था। इतने हसीन चेहरे सामने नजर आ रहे हैं तो चार या पांच अशआर की आपकी नजर की सारे अशआर करता हूं कि फलक का नाज तो फकरे जमीन होते हैं। फलक का नाज तो फकरे जमीन होते हैं। अली के चाहने वाले हसीन होते हैं। फलक का नाज तो फकरे जमीन होते हैं। अली के चाहने वाले हसीन होते हैं। और जाफर भाई शेर दे बिछाया जाता है जिनके घरों में फर्श मिला। बिछाया जाता है जिनके घरों में फर्श मिला। उन्हीं घरानों के बच्चे जहीन होते हैं। फलक का नाज तो फकरे जमीन होते हैं। अली के चाहने वाले हसीन होते हैं। बिछाया जाता है जिनके घरों में फर्श मिला। उन्हीं घरानों के बच्चे जहीन होते हैं। और मेरे ख्याल में आते हैं जब उदुए अली। मेरे ख्याल में आते हैं जब उदुए अली को एक दो नहीं होते हैं तीन होते हैं। मेरे ख्याल में आते हैं जब उदुए अली को एक दो नहीं होते हैं तीन होते हैं। और वक्त से पहले आखिरी शेर अली वली की विलायत पे शक करने जो विलायत अली की महफिल है अली वली की विलायत पे शक करने जो भी नसब से लोग वही बदतरीन होते हैं। अली वली की विलायत पे शक करने जो भी नसब से लोग वही बदतरीन होते हैं। और कसम अली की मोहब्बत नवाज तुम जैसे कसम अली की मोहब्बत नवाज तुम जैसे नदीम नकवी के दिल के मकीन होते हैं। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूं ब्रादर मोहतरम मीर तकल्लुम साहब से कि वो आए और नजराने अकीदत पेश करें। जनाब मीर तकल्लुम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत इब्ला इजाजत। चार मिसरे पेश करता हूं शहजादी की रुखसती के हवाले से। चार मिसरे मुलाजा फरमा लीजिए। अभी एक मर्तबा जागती भी सलावत पढ़ दें सब मोहम्मद वाले मोहम्मद। घर से हमेशा होती है बेटी की रुखसती। घर से हमेशा होती है बेटी की रुखसती। कानून है ये अहले जमाना का फर्श पर। कानून है ये अहले जमाना का फर्श पर। अब सोचिए रसूल की बेटी का मर्तबा। घर से हमेशा होती है बेटी की रुखसती। कानून है ये अहले जमाना का फर्श पर। अब सोचिए रसूल की बेटी का मर्तबा। शादी हुई है फातिमा जहरा की अर्श पर। घर से हमेशा होती है बेटी की रुखसती। कानून है ये अहले जमाना।